हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस लिक्स। आज हम टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड होकर इंटरेक्ट करके मिल के बैलेंस बना के एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। सो आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड दोनों एक साथ, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव is known as environment. The physical and biological world where we live is known as our environment. अब अगर बात की जाए physical surroundings की बात की जाए, physical surroundings कौन कौन सी होंगी आपकी? Physical surroundings में आपका क्या आ जाएगा? Soil आ जाएगी, water bodies आ जाएंगी, water bodies, soil, water bodies, और भी बता सकते हो क्या आ सकता है इसमें? Land, बिना land के काम नहीं चलेगा। Soil, air, these all are physical environment कह सकते हैं। और physical environment इसके बिना living beings का काम नहीं चलेगा। Living beings में कौन कौन आ जाता है? Biological world में देख लेते हैं। Biological world में आपके सबसे पहले plants, animals, humans, humans को कैसे छोड़ सकते हैं? But humans are included in the animals only। Humans, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। एक और स्टेप हम ले लेते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, सारे जितने भी मिनरल साइकिल वगैरह को वर्कआउट कराने में डिकम्पोजर्स। और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या आ जाएंगे? फंगाई आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, दीज ऑल आर देयर। फंगाई भी देख सकते हो आप यहाँ पे, फंगाई, बैक्टीरिया। सो हाउ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इस वर्ड के लिए एक और नया वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी क्या कहता है कि लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे पर कैसे इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम। सेम भी एनवायरमेंट भी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट में अगर आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको? फिजिकल चीजें दिखती हैं, सॉइल, वाटर वगैरह, और दूसरी तरफ आपको लिविंग बींग्स दिखते हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और एक और चीज, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, पूरे बैलेंस बना के चल रहे हैं, एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहे हैं, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बैलेंस। सो वन अनदर मेंटेन अ बैलेंस इन आवर एनवायरमेंट। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है, बैलेंस बना रहता है एनवायरमेंट के अंदर। सो ये तो हो गया हमारे एनवायरमेंट का। अब एनवायरमेंट के साथ साथ यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एक वर्ड सुना है, बहुत एग्जाम्पल पूछते भी हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, एक बार बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। डिग्रेड होना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर कह सकते हो सिंपल अगर हम उसको देखें, ऐसा वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, एक ऐसा वेस्ट जिसके डिकम्पोज होने पर कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो। बस यही मेन चीज है, डिकम्पोज होने पर अगर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर डिकम्पोज होने पर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और अगर डिकम्पोज होने पर कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो व्हाट कैन राइट, दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन, which can be broken down to non-poisonous, broken down into non-poisonous substances in nature. Those waste materials which can be broken down to non-poisonous substances in nature. Non-poisonous substances may break down ho jana. मतलब कोई भी पॉइजनस चीज को प्रोड्यूस नहीं करना। विद कोर्स ऑफ टाइम
by the help of microorganisms, organisms. By the help of microorganisms, or you can say bacteria, decomposers की help से वो break down हो जाए, is known as biodegradable waste. So biodegradable waste की सबसे आप simple definition लिख सकते हो. All those waste which on decomposition do not produce poisonous substance is known as biodegradable. तो biodegradable waste में कौन-कौन से हैं? कहते हैं जो सड़ जाते हैं. इसमें कौन-कौन से आ जाएंगे? आपका paper आ जाएगा, vegetable peels आ जाएंगे. और बताओ, काउ डंग के, काउ डंग और लीव्स, वो सारी चीजें जो डिकम्पोज हो जाती है वो सब किसमें आएंगी? आपका कैटल वेस्ट और विल बी इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बात कर लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बस सेम ही डेफिनेशन रहनी है. होना क्या उसमें? Those waste material which can be broken down to non-poisonous की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? Poisonous. Those waste material which can be broken down to poisonous substances in nature with course of time कह सकते हैं. या फिर simple simple those waste material which on decomposing produce harmful waste या poisonous waste produce करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Non-biodegradable waste बोलते हैं. अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कुछ एग्जांपल्स आपको बेटर तरीके से याद रखने हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में एक आता है डीडीटी, ये बहुत पूछा जाता है डीडीटी, और इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए. डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. तो क्या है फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बहुत एग्जाम्पल पूछी जाती है डीडीटी. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी. डीडीटी क्या है? ये केमिकल है. इसको फॉरेन कंट्रीज में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में इसका अभी भी यूज होता है. किसके लिए? एज अ पेस्टिसाइड्स. एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए मोस्टली इसका यूज करते हैं, और इसका हार्मफुल इफेक्ट बर्ड्स पे देखा गया. एक केस स्टडी में सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमने इसका स्पैरो के ऊपर देखा. हम क्या करते हैं, अपने फील्ड्स में इसको यूज करते हैं. डीडीटी को यूज करने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, जो आपके फूड है, सीड्स हैं, उनको कौन? बर्ड्स खाती हैं, और बर्ड्स के अंदर भी देखा गया डीडीटी कंटेंट इकट्ठा होता जा रहा था. तो बर्ड्स के काफी बर्ड्स के है ना डेथ भी हुई थी. तो डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसका हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए इसको है ना फॉरेन कंट्रीज में बंद भी किया है. इंडिया में भी बैन है, बट है ना इंडिया में यूज हो रहा है. सो डीडीटी. और क्या आ जाएगा आपका? पॉलीथीन बैग्स. पॉलीथीन ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ऐसा नहीं है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज होते हैं, बट डिकम्पोज होने पर पॉइजन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और पॉइजन सब्सटेंस क्या है? एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. So, जो भी डिकम्पोज होंगे बट पॉइजनस गैस प्रोड्यूस कर रहे होंगे या हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, दे ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो पॉलीथीन बैग्स आ जाएंगे. जो पैन यूज करते हैं, पैन की जो रिफिल्स होती हैं, दे आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल. मेटल केन्स होती है, मेटल की चीज़ें, वो भी आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं. और सबसे बड़ी वेस्ट, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास, रेडियो एक्टिव वेस्ट. रेडियो एक्टिव वेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर जहाँ यूरेनियम 235 को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो यूरेनियम जो टूटता है, टूटने पर दो और एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो दोनों भी क्या है? रेडियो एक्टिव है. दैट इज अ वेस्ट, वेरी बिग प्रॉब्लम बिहाइंड अस. सो रेडियो एक्टिव वेस्ट ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, मेटेलिक चीजें हैं, ये भी आपके लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाती है. सो आई थिंक यहाँ पे आज क्लियर हो गया होगा वॉट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग पॉइजनस सब्सटेंस, और अगर डिकम्पोज होने पर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल. डीडीटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. दैट्स ऑल, थैंक यू.